आज इस वीडियो के अंदर भाई एक चीज दिखाऊंगा, जैसे टर्बो का कितना फायदा मिला है और उसका डीजल एवरेज निकाल के दिखाऊंगा टर्बो के साथ में, और टर्बो लगने के बाद क्या फायदा मिला है, कितना इसको, जैसे इसकी है ना ट्रैक्टर की एवरेज निकाले, फार्म ट्रक 60 है, यो इसमें टर्बो लगवा रखी है और पीछे 10 फुट का रोटावेटर है, पूरी चीज समझाऊंगा दिखाऊंगा आप लोगों ने। तो इसमें टर्बो लग रही है और मेन तो हमने डीजल टैंक लगा दिया अलग से नोजल का वापसी का, चलना एक बार दिखाए दे टर्बो लग रही है भाई इसमें ट्रैक्टर में, टर्बो असेंबली है पूरी पूरी और यहाँ पे नोजल का और पंप का वापसी का कर दिया इन, और यहाँ से इंजन के लिए इनलेट दे दी, जो अगली पाइप है ये अगली टंकी बंद है भाई, ये तेल इसका बंद कर रखा है और उसमें तेल भी नहीं है, जो डीजल टैंक हमने पूरा 2 लीटर पे कर रखा है, ये 2 लीटर पे। और इसके ब्लेड दिखा देता हूँ, ये ब्लेड देखो भाई रोटावेटर के ब्लेड हैं ये सारे लगभग नए बराबर हैं, और ये 10 फुट का रोटावेटर है पूरा, जो भी है जिसका भी है 10 फुट का रोटावेटर है, और इसमें कौन से गियर में चलाओ भाई, इसका लोग दूसरा कौन सा हो, सांड घोड़ा के हो, लोग दूसरे के घोड़े में, ठीक ठीक आरपीएम तो सांडा कर लेंगे, घोड़ा कर लेंगे, वो सांडा कर देगा जरूरत पड़ी तो। अच्छा, और क्या आरपीएम बदला हुआ, आरपीएम 2000 2000 1600 1810 पे चला कर, 1800 पे चला क्योंकि पूरे अपने 540 चक्कर बना लेगा ये लगभग 18 भाई चला, 18 भाई चल देख ले अपने हिसाब से चला, टर्बो का बेनिफिट देखना हमें कितने का एवरेज देगा ट्रैक्टर, चल तो अपना ट्रैक्टर स्लिप मार चल, लाइव वीडियो समझिए लाइव,
अरे काम से दुनिया भी नहीं होता कि बंदा हो रहा है आगे ले थोड़ा नीचे गया रोटावेटर रोटावेटर और कितना होगा यो देख आर्म देख लो भाई ये आर्म खोल रखी है इसकी दोनों नीचे सारी फिटिंग हुई है कहां टूट ले रहा है कोई नहीं कोथा चक्कर है एक चौथा चक्कर तैयार हो गया चौथा पूरा नहीं कर पाया पूरा होगा उल्टा आ रही है बैटरी पे चौथा पूरा हो यार लगभग तेरा तेल टपका मगली की झाड़ के दे तेल आओ है यो टपके पड़ना रे यो भी दाड़े दे रहा है इन्होंने की पकड़ा दे टपके नीचे देख लियो ना आगे देखो ना चल जो भी खंड गया तेरा खंड गया दे वाले छोड़ी तो बेटी बाप गाली तो छोड़ दूँ कोई ना बड़ा मोटा यू नो सो पॉइंट दो पे है इस कोने पे दो पे नहीं भाई तीन पे है तीन पे या छोड़ी नहीं एक दो तीन हाँ नौ सौ पॉइंट तीन पे इस पॉइंट पे नौ सौ पॉइंट तीन पे है वो डाली भी हल बार आई तू डाला निपकड़ फोन पकड़ लो फिर फोन पकड़ ठाडा पड़ा है ये तो काम का दुर्भाग्य है तो तुमने कल वन कोशिश नहीं कर रहे ये मुझे ना काम का दुर्भाग्य है वो आदमी को दिखा दे किस आए फिर एक बार आदमी ने दिखा दिया सर रहने दे सारी सच्ची ना बता रहे हमेशा चंदड़ी और गाल ले जो ऊपर दिख के ना इसी तेरे ऊपर है इसी ना को ये लोग ऊपर है अरे तो न्यू करे था वाह हुआ उस हिसाब ताजे तो रही है एक आदमी स्टैंडर्ड करने का काम है ना जो अपने स्टैंडर्ड तय करेगा वो तरीके दे करा था कोई भी काम खिंच के चलने दे भाई हालात तो मैंने करे अच्छा बच्चा का चल लमना जा ली बात रोक 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 ले भाई पूरा करती 2 लीटर पे एकदम एक्यूरेट रुक गया चलो पूरा 2 लीटर पे दिखाइए फोन दे मेरे यू हवाई 1.1 पे 1.1 पे अगर हम 9.3 पे था तो नीचे कर दें तो एक पा गया वहाँ तो 9.2 हो गया 8.2 लीटर भाई 8.2 लीटर डीजल ले रहा है वहाँ पे रखा पूरा दो है हाँ पिता को जरूरत नहीं पिता में जरूरत क्यों ना है जरूरत ही पड़ेगी है जगह छोड़ रखी रिया ये वाली जगह छोड़ रखी है भी जगह छोड़ रही है 10 फुट ला जाए 10 15 लाख रहा है एक वहाँ पे बच्चा कितनी इसी घर नून है यहाँ समझा नहीं 190 है 10 फुट कम होगी 180 आ गया और रोमा हमने 185 मापा देगा एक दूरी डोले तक डोला मापा हमने भी 180 फुट होगी 180 फुट में या 10 की जगह 20 फुट आओगी ट्रैक्टर की लंबाई जो है 180 जमा में 3 × 3 कर दे 540 तो 180 घटा में 15 बनाएगा भाई 10 ना बनाएगा 160 नहीं 165 बनेगा 15 फुट बनेगा वो यार 165 ही हो गया 165 कितना 205 705 फुट हो गया लंबाई गुना में 10 फुट का रोटावेटर है गुना में 10 कर दे गुना में 10 कितना हो गया 7050 7050 फुट एरिया कवर करे इसने 6 मिनट में गुना में 10 कर दे इसका 1 घंटा हो जाएगा 70,500 फुट एरिया कवर करेगा 1 घंटे में ट्रैक्टर ऐसे चलता रहा तो और इसमें तो 43,560 तक भाग दे दे 1.61 एकड़ जमीन जोतता है वो 1 घंटे में अगर इस तरीके 10 फुट रोटावेटर चलता रहा लीटर डीजल लिया है ना 8.2
तो 8.2 भाग में 1.6 है, ये दो भाग में 1.6 5.12 लीटर डीजल लेगा यो एक एकड़ में, और एक घंटे में 1.6 एकड़ जमीन जोतेगा, डेढ़ किले तो ऊपर नहीं, डेढ़ एकड़ तो ऊपर निकाल देगा। गेयर कौन सा लाया था तने? गेयर दूसरा दूसरे का सांड में कर दिया था बाद, पहले घोड़े पर था, पहले घोड़े पर दूसरा लाशी ला देख के सांड पर कर दिया दूसरे ने, लीवर पूरा नीचे थी ना, लीवर तो दोनों नीचे थे। हर पिंप कितने बता रही हो? हर पिंप 1800 कितने बताला था? 1800 चलाया था जो करियो आज 5.12 लीटर डीजल लेगा एक एकड़ में, इस हिसाब से ठीक है, घंटे में 8.2 लीटर डीजल लेगा, 1.6 एकड़ जमीन निकालेगा, मतलब काम जल्दी कर लेगा, एवरेज में फर्क नहीं पड़ेगा, वो एवरेज में फर्क आ गया, तकाजत काम हो फालतू काटेगा, मतलब टर्बो में फायदा होगा, ट्रैक्टर 10 फुटा रोटावेटर चला दे, 10 फुटा खींचा है, 50 फुटा ट्रैक्टर है, 10 का खींच ले है, अगर ये भाड़ा करे 2000 का रोटावेटर की, 5 लीटर तेल ले सारा, भाड़ा भी कम होगा, लोगों ने फायदा होगा। हाँ लोगों ने फायदा, मतलब कुल मिलाकर टर्बो का ही फायदा है, जब मान लिया कोई अगर पर्सनल ट्रैक्टर भी चला रहा है बंदा, या फिर कोई भाड़े पे चला रहा है, टर्बो लगवाने का वो भी फायदा है। पहले चला दिया करता है वो? पहला तो 8 फुट चल रहा था, मुश्किल है, चल रहा था 9 फुट चल रहा था, 8 नहीं होके छिड़ा लिया करता, साल पे दूर काम चला दिया, दस्त कदे नहीं चल रहा, दस नहीं चल रहा, पहला दोनों लीवर पहला जोड़ा जो एक लीवर गेयर का सुन चल रहा था, ये पूरे लीवर ऊपर बैठा चला दी, हाँ वो तो पर एक दूसरी वीडियो बनाई थी हमने, ऊपर बैठा ली और भी काट के चला रखे हैं, हाँ और आर्म भी काट दी। चलो जो भी था यो था भाई, जैसा भी था ठीक रहा, मतलब कुल मिला टर्बो का फायदा बहुत ज्यादा है, बहुत फायदा है, बहुत जो डीजल भी बचाव है, ट्रैक्टर भी काम भी लगा, टाइम भी बचाव, सारी चीज बचा है, सब कुछ बचा है, 20-25 हज़ार रुपया काम है, एक सीजन में आराम से पूरे हो जाए, नहीं तो खुद लगाओ तो 15-10 हज़ार रुपये लगते, दुकान वाले लूट लिए हैं, 25 मांगे लोग 20 मांगे, पर दुकान वो एक सब तो मेन बात है ना, तने टर्बो पे रहा है, थोड़ा बहुत ज्ञान कर ले बस, तने तो पता है टर्बो का, सब ने नहीं पता ना, हाँ जी ना बेरो खातर है यार, वो है भैया देखो उस चीज का एक्सपीरियंस का तो मजा लेंगे, तू अपने एक्सपीरियंस का मजा ले रहा है, वहाँ अपने एक्सपीरियंस का मजा ले, सब अपने एक्सपीरियंस का मजा, अच्छा